नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका था। बाकी गांव शहरों की तरह मुंबई शहर भी सजावट, गरबों के शोर और माता रानी के भजनों से गूंज रहा था। पर नवरात्रि की एक रात कुछ ऐसा हुआ सुधा के साथ, जो अब नवरात्रि के त्योहार का नाम सुनते ही कांप उठती है। दरअसल सुधा माता जी को बहुत मानती है और नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन माता जी की भक्ति, भजन और गरबा करने में मग्न रहती है। उस दिन नवरात्रि का आखिरी दिन था। सुधा माता जी की आरती और उसके बाद गरबा करने में मग्न थी। उस रात गरबा के पंडाल में सुधा के साथ उसके भाई भाभी और बाकी लोग भी मौजूद थे। तभी सुधा को उसकी बड़ी बहन का बार बार फोन आता है, पर म्यूजिक लाउड होने के कारण सुधा को घंटी सुनाई नहीं देती। दरअसल सुधा की बड़ी बहन नीलम सुधा के बहुत करीब है। अगर कभी भी कोई भी मुसीबत आती है तो नीलम सबसे पहले अपनी छोटी बहन सुधा को बुलाती है। मुंबई में दोनों के घर आसपास हैं, इसीलिए दोनों दिन में एक बार तो मिल ही लेती हैं। आज नवरात्रि की आखिरी रात है, पर सुधा की बड़ी बहन नीलम गरबा खेलने नहीं आई क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। गरबा के पंडाल में ढेरों लोगों की भीड़ जमा थी और हर कोई गरबा खेलने में मस्त दिख रहा था। तभी सुधा के भाई का फोन बजता है। म्यूजिक का शोर ज्यादा था, इसीलिए सुधा का भाई किसी तरह भीड़ को चीरता हुआ पंडाल के बाहर आता है और फोन उठाता है। ये फोन सुधा की बड़ी बहन की नौकरानी का था। जब सुधा का भाई फोन उठाता है तो उसे उसकी नौकरानी बताती है, भैया नीलम दीदी को काफी देर से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और उन्होंने आप सबको कितने फोन लगाए, पर जब आप लोगों ने फोन नहीं उठाया तो उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया। मैं जब तक घर पहुंची तो नीलम दीदी फर्श पे पड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया, पर जब तक डॉक्टर आते बहुत देर हो चुकी थी। आप सब लोग प्लीज जल्दी घर आ जाइए। सुधा का भाई राहुल ये खबर सुन के उसके होश उड़ जाते हैं और उसका शरीर बर्फ की गोली की तरह वहीं जम जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। घबराया हुआ राहुल हाँफते हुए पंडाल के अंदर जाता है और देखता है कि सुधा भीड़ के बीचों बीच गरबा खेलने में मग्न है। वो उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है, पर भीड़ ज्यादा होने के कारण वो सुधा तक नहीं पहुंच पाता। तभी राहुल की बीवी उससे टकराती है और उससे पूछती है, राहुल कहाँ चले गए थे आप? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। घबराया हुआ राहुल अपनी बीवी को नीलम की मौत के बारे में सब बता देता है। ये खबर सुन के राहुल की बीवी के पैर के तले से जमीन खिसक जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसके आसपास का सारा शोर उसे सन्नाटे से घिरे हुए लगने लगता है। यहाँ राहुल की आंखों से भी लगातार आंसू बहने लग जाते हैं। तभी राहुल अपनी बीवी से कहता है, हमें अभी चल के सुधा को ये सब बताना होगा। पर राहुल की बीवी अभी ये खबर सुधा को बताने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि सुधा और नीलम एक दूसरे के कितने करीब थे और अगर अभी सुधा को ये खबर पता चली तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। जिस सुधा के चेहरे पे इस वक्त इतनी खुशी दिखाई दे रही है, जो माता जी के गाने पे झूम झूम के नाच रही है, एक पल में ही उसकी सारी खुशियाँ उससे छिन जाएगी। इसीलिए राहुल और उसकी बीवी बिना सुधा को बताए वहाँ से चले जाते हैं। गरबा नाइट काफी देर तक चलती है। 1 बजे के करीबन जब गरबा नाइट खत्म होती है तो सुधा अपने भाई राहुल और भाभी को ढूंढती है, पर उसे वो दोनों वहाँ नहीं मिलते। फिर सुधा अपने भाई राहुल को फोन करती है और उससे पूछती है, राहुल भाई आप कहाँ हो? और भाभी भी दिखाई नहीं दे रही है। तो राहुल अपने दुख भरी भारी आवाज में सुधा से कहता है, सुधा हम यहाँ नीलम दीदी के यहाँ हैं, तू भी जल्दी यहाँ आ जा। सुधा को कुछ समझ नहीं आता कि उसके भैया भाभी उसे अकेले छोड़ के क्यों चले गए और इतनी रात को वो उसे नीलम दीदी के घर क्यों बुला रहे हैं।
सुधा सोचने में ज्यादा वक्त जाया नहीं करती और तुरंत ऑटो लेके अपनी नीलम दीदी के घर के लिए निकल जाती है। यहाँ उसकी नीलम दीदी के घर पूरा परिवार जमा हो चुका है। हालांकि नीलम की बॉडी को हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ है, पर यहाँ घर पे मातम छाया हुआ है। जब सुधा नीलम दीदी के घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके भैया भाभी एक कोने में बैठे रो रहे हैं और यहाँ सुधा की माँ भी एक कोने में बैठी बहुत जोर जोर से रो रही है और कुछ पड़ोसी भी उनके घर जमा है। सुधा को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो अपनी माँ के पास जाती है और उनसे पूछती है, माँ आप रो क्यों रहे हो, भैया भाभी क्या हुआ, आप सब रो क्यों रहे हो और नीलम दीदी कहाँ है। नीलम का नाम सुन के सुधा की माँ और जोर जोर से रोने लग जाती है और इतने में घर में कोई हलचल होती है। कमरे में टेबल पे रखा सामान, दीवार पे लगी तस्वीरें सब हिलने लग जाती हैं, जैसे कि कोई भूकंप आया हो। ये देख के सबके होश उड़ जाते हैं और कोई कुछ समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। सुधा की माँ सुधा का हाथ कस के पकड़ लेती है और इतने में ही सुधा को दूसरी तरफ से नीलम उसके पास आते हुए दिखती है। सुधा अपनी बहन नीलम को देख के उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वो अपनी माँ का हाथ छुड़ा के अपनी नीलम दीदी की ओर जाने लगती है। यहाँ नीलम की माँ राहुल और उसकी बीवी नीलम को जिंदा देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ देर पहले ही नीलम की बॉडी को हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेजी थी। फिर नीलम वापस जिंदा होके कैसे आ सकती है। दूसरी ओर सुधा अपनी बहन नीलम के पास जाती है और कहती है, नीलम दीदी अब कहाँ थी इतनी देर से और ये सब यहाँ क्या हो रहा है, माँ भैया भाभी ये सब रो क्यों रहे हैं। नीलम बिना पलके झपकाए सुधा को एक तक गुस्से से देखे जा रही है और उससे कहने लगती है, मैंने तुझे कितनी बार फोन किया, तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, तूने क्यों मुझे इसे मरने दिया, सुधा तूने मुझे इसे क्यों मरने दिया, बोल तूने मुझे क्यों मरने दिया इसे। ये बात सुन के सुधा हक्का बक्का रह जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि नीलम दीदी क्या बोल रही है। यहाँ घर के बाकी लोग समझ जाते हैं कि जो नीलम इस वक्त उनके सामने खड़ी है वो नीलम नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। यहाँ सुधा के आंखों से अचानक आंसू गिरने लग जाते हैं और वो अपनी दीदी को सॉरी बोलने के लिए उनके पास जाके उनका हाथ पकड़ती है, पर जैसे ही वो उनका हाथ पकड़ने वाली होती है नीलम का शरीर वहाँ से अचानक गायब हो जाता है और ये देख के सुधा समझ जाती है कि उसके हाथ से सब कुछ छूट चुका है। सुधा अचंभित होके रोते हुए अपने भाई राहुल के पास आती है और उनसे पूछती है, भैया कहाँ है नीलम दीदी, क्या हुआ है उन्हें। रोते हुए बेहाल राहुल सुधा को बताता है, सुधा नीलम अब नहीं रही, उसे फिर से सांस लेने में तकलीफ हुई थी और उसने तुझे ढेरों फोन लगाए लेकिन तू गरबा खेलने में बिजी थी इसलिए तूने फोन नहीं उठाया और मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे हो गया। ये सब सुन के सुधा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो वहीं बेहोश होके गिर जाती है और फिर उसे पूरे 2 दिन बाद होश आता है। इस हादसे के बाद जैसे सुधा की जिंदगी उससे छिन गई थी और तो और उसने हमेशा के लिए अपने आप को अपनी बड़ी बहन की मौत का गुनहगार मान लिया था। उस साल की नवरात्रि और गरबा सुधा का आखिरी गरबा था। सुधा ने उसके बाद गरबा खेलना और नवरात्रि त्योहार मनाना हमेशा के लिए छोड़ दिया था, पर जिसे जाना होता है वो तो वैसे भी चला जाता है। अब ना इसमें सुधा की गलती थी और ना ही नीलम की।